झारखंड में कोरोना वायरस से पीड़ित यानी पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है और एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हालांकि हमारे शहर में अभी तक एक भी मामला प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन इससे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला वक्त काफ़ी विकट हो सकता है। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि भी आप घर पर रहें और सरकारी आदेशों का अनुपालन करें। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और मैं हूँ विनोद जॉन पॉल। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चांडिल में कोरोना के नाम पर दवा बेचने वाली कंपनी के यहां छापा, भारी मात्रा में सैंपल जब्त। जुगसलैक क्षेत्र में घूम रही अज्ञात महिला को देख लोगों ने पुलिस बुलाई। सरकारी आदेशों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं राशन डीलर, ग्रामीणों ने की शिकायत। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में अब सीआईएसएफ के जवान भी कूदे। लॉकडाउन का फायदा उठाया चोरों ने, साक्षी में एक दुकान पर किया हाथ साफ। और पंचायत क्षेत्रों में दीदी किचन आरंभ, कोई भी नहीं सोएगा भूखा। और खबरें विस्तार से। उधर चांडिल के कोरोना के नाम पर दवा बेचने वाली कंपनी के यहां प्रशासनिक अधिकारियों ने छापामारी की। छापामारी में बड़ी मात्रा में दवाइयों के सैंपल जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई से दवा कारोबारियों में हड़कंप व्याप्त है। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के भुयाडी में रिनोविजन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा कोरोना के नाम पर दवा बेचे जाने की शिकायत सरायकेला उपायुक्त को मिली। उन्होंने चांडिल बीडीओ प्रवेश कुमार साहू के नेतृत्व में टीम का गठन किया। गुरुवार को टीम ने छापामारी की और प्रशासनिक पदाधिकारी ईशा कुमारी से गहन पूछताछ की, साथ ही ग्रामीणों के बेचे गए दवाइयों को भी वापस लेने का निर्देश दिया। छापामारी में बड़ी मात्रा में दवाइयां जब्त की गई है और कुछ के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। भुयाडी गांव में एक दवा बांटी जा रही है कोरोना के ठीक होने के नाम पे। वह दवा जो है फ्लू की दवा है, और कोई भी दवा कोरोना के नाम पर बांटा जाना सरकार के द्वारा वर्जित है। कोई भी व्यक्ति इस तरह कोई दवा नहीं दे सकता है। उधर जुगसलाई की बात करें तो एक अज्ञात महिला को इधर उधर घूमते पाकर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल महिला पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है। कोरोना महामारी को लेकर लोगों में एक तरह से दहशत व्याप्त है। क्षेत्र में हर अनजान चेहरे को लोग शक की निगाह से देख रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को एक अज्ञात महिला को देखने के बाद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचित किया। महिला ने खुद को आदित्यपुर निवासी बताया और कहा कि पिछले 3 दिनों से कोई ब्यूटी पार्लर को ढूंढ रही है। लेडी जो है मानसिक कुछ डिस्टर्ब लग रहा है, क्या है अब उसका छानबीन के लिए मुंसिपलिटी में ले जा रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है सारी व्यवस्था हम लोग को जो भी होगा इसके विरुद्ध कार्रवाई करना होगा, विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। औरत महिला घूम रही है 3-4 दिन से लगातार, पार्लर का पता पूछ रही है, एरो पार्लर। दोपहर में 2 बजे आ जा रही, 3 बजे आ जा रही है, 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, रात में 9 बजे, रात में लगातार 4 दिन से खोजते चल रहे। शहर में सरकारी आदेशों का खुलेआम उल्लंघन का खेल चल रहा है और ये खेल खेल रहे हैं पीडीएस दुकानदार, जो एक तरफ ग्राहकों को राशन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, दूसरी तरफ उनको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का दबाव भी बना रहे हैं। गुरुवार को शिकायत लेकर कई ऐसे परिवार जिला मुख्यालय पहुंचे। लॉकडाउन के इस विकट बेला में इन दुकानदारों के कच्चे चिट्ठे को उन्होंने अधिकारियों के समक्ष खोला। हालांकि इस पर कब और कितनी जल्दी कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। आपको बताते चलें कि सरकार का ये उद्देश्य है कि राशन कार्डधारी को तो राशन देना ही है, साथ ही जिन्होंने अभी अप्लाई किया है उन्हें भी राशन मुहैया कराना है। हम लोग को मिलना चाहिए, ये लोग तो हम सब का, हम लोग भी है, हम पत्ता लाइन दतवन बेचते, दिन भर वहाँ रहते तो रात को जाते, तो माने राशन नहीं मिलता ठीक से, तो राशन कागज यहाँ जमा दिए हैं फोटो कॉपी, दुकानदार बोला वहाँ से तुम लोग क्या ऑनलाइन से कीजिए तब मिलेगा। उधर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घूम घूम कर ग्रामीणों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ जंग में अब सीआईएसएफ ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। सुरक्षा बल के जवान गाँव में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग इस महामारी से सुरक्षित रह सके। कोरोना
से लड़ने में उतनी ही सहायता मिलेगी। और सबसे बड़ा चीज़, कोरोना से इतना डरना नहीं है लेकिन सावधानी बरतनी है। कोरोना ऑफकोर्स अगर हो गया तो उसका इलाज संभव है, ऐसा नहीं है कि कोरोना जो है अपने हाथ साबुन से धोइएगा, ठीक है। यूनिट UCIL जादूगोड़ा के बल सदस्यों के द्वारा COVID-19 के खिलाफ हम लोग भी इस पूरी लड़ाई में जनता के साथ में हैं। तो हमने लोगों को जागरूक किया कि कैसे वो लोग डिस्टेंस बना के रखें, हमेशा मास्क पहन के रहें, तीसरा पार्ट इधर उधर कहीं थूके नहीं, जब भी खांसी आती है तो हमेशा कपड़े पर खांसें, गर्म पानी का प्रयोग करें, अपनी शरीर की रोग उसे लड़ने वाली जो प्रक्रिया है उसको मजबूत बनाएं, हल्दी का प्रयोग करें, और साथ साथ जब भी घर वापस जाएं तो थोड़ी सी भाप ले लें। भाप से क्या होगा कि अपनी आँख नाक और मुंह के आसपास में जो अगर वायरस आ गया है तो वो मर जाएगा। जो ऐप्स आया है, एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है और दूसरी ओर चोर भी काफ़ी सक्रिय है। ताज़ा मामला साक्ची थाना क्षेत्र का है, जहाँ पुरानी कोर्ट के पास बीती रात चोरों ने एक दुकान पर हाथ साफ कर दिया। पुरानी कोर्ट के पास यानी SP कार्यालय के कुछ ही मीटर में अवस्थित इस दुकान के दरवाजे को काटकर बीती रात चोरों ने अपने इरादों को अंजाम दिया। दुकान के अंदर तमाम तरह के स्टेशनरी और खाने पीने के सामान थे। दुकानदार के मुताबिक करीब 70,000 मूल्य के सामान चोर चले गए हैं। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। पुराना किताब दुकान के सामने चले गया है, मेरा बटल शॉप था, ठीक है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम और सब सब बेचते थे हम। उसमें मेरा था कल रात में, अभी सुबह पता चला हमको, डिस्ट्रिक्ट जज का ड्राइवर बताया हमको फ़ोन करके कि आपको दुकान का दरवाज़ा टूटा हुआ आके देख लीजिए। तो हम सुबह 5 बजे जाएँ, थाना को बुलाएँ, थाना वाला भी देख के कैमरा सब कर दिया, ठीक है, अभी FIR देख भी आ गया। कोई लॉकडाउन तक कर दिए 70,000-80,000। शहर के उभरते कलाकार राजेश कुमार ने कोरोना महामारी पर एक लघु फिल्म का निर्माण किया है, जिसकी तारीफ खासकर सोशल मीडिया में जमकर हो रही है। शहर के युवा राजेश कुमार ने कुछ चुनिंदे कलाकारों को लेकर कोरोना वायरस पर चल रहे लॉकडाउन पर एक लघु फिल्म का निर्माण किया है। इस लघु फिल्म के माध्यम से लोगों को अपने घरों पर ही रहने और लॉकडाउन के सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सीख दी गई है। आसपास के घर के अंदर जो लोग हैं उनको, खिड़कियों से बाहर जो लोग या थोड़े बहुत जो लोग दिख रहे हैं, पशु पक्षी देख रहे हो आप लोग, उनको ऑब्जर्व। अरे आप मुझे क्यों बोल रहे हो? पहले तो आप बोला करते थे कि हमेशा खाली बैठे रहते हो घर पे, और अब तो प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया कि घर पे से है। मैं फिल्म बना रहा हूँ घर बैठे, और लाइव फिल्म बनाया फर्स्ट पूरे झारखंड में, एक पहला ये कि कोई किसी से नहीं मिले, अपने अपने घरों से ही बैठे हैं। मैंने एक कहानी दे दिया, पूरे इंडिया से आर्टिस्टों का सपोर्ट मिल रहा है, उनका बाइट आ रहा है, वीडियो आ रहा, और जितने भी आर्टिस्ट हैं सब यही बोल रहे, मुझे यही तारीफ सुनने को मिल रही है कि बहुत अच्छा। उधर राज्य सरकार के निर्देशों के बाद तमाम ग्राम पंचायत क्षेत्रों में दीदी किचन की शुरुआत कर दी गई है। इसके लिए किचन संचालक को सरकारी फंड भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक ओर जहां केंद्र सरकार प्रयासरत है, वहीं राज्य सरकारें भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। इसके तहत सभी पंचायत क्षेत्रों में दीदी किचन की शुरुआत की गई है, जिसके लिए प्रत्येक किचन के लिए सरकारी फंड से 20,000 रुपये मुहैया कराए जा रहे हैं। लॉकडाउन समाप्त होने तक किचन जारी रहेगा और लोगों के घरों तक भोजन पहुँचाए जाएंगे। घागीडीह और हमारे ग्राम संगठन का नाम है घागीडीह आजीविका महिला ग्राम संगठन, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। और अभी हम लोग का दीदी किचन का काम शुरू किए गए हैं। हम लोग ब्लॉक तरफ से हम लोग को फंड आया गया है, तो हम लोग को बोला गया है कि आप लोग पूर्वी घागीडीह क्षेत्र से हैं और हर आप बस्ती में जा के घर जा के जो बूढ़ा बुजुर्ग है, चल नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को आप लोग खिचड़ी खिलाए। उधर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में गरीबों और जरूरतमंदों के बीच लगातार खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है, और वे इस कार्य में दिन रात लगे हुए हैं। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जितनी तारीफ की जाए कम है, वे अपना पूरा वक्त
गरीबों की सेवा में लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई भूखा ना सोए। उनके द्वारा राशन किट तैयार किया जा रहा है। इस किट में एक परिवार के लिए लगभग एक सप्ताह का राशन पैक किया जा रहा है। फिलहाल टेल्को और टेल्को के आसपास बस्ती और स्लम क्षेत्रों में इनका यह अभियान जारी। जरूरतमंद टेम्पू परिवारों को हम लोग राशन वितरित कर रहे हैं और उनके सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं। और आने वाले दिन में हम तमाम युवा वर्ग से यह अपील करेंगे कि अपने आसपास के क्षेत्र के जो भी असहाय लोग हैं उनको आप लोग मदद की। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी है। आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम, गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन अनुशासन के साथ पठन पाठन में अव्वल, हर वर्ष 100% रिजल्ट का रिकॉर्ड, वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, नर्सरी से प्लस टू तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित। गायत्री शिक्षा निकेतन, रोड नंबर 4, आदित्यपुर 2, नियर 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल। सिटीज लाइफ, सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए। अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस फॉर जेंट्स, सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टीका जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड अपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। इंडियन बेकरी, स्पेशलिस्ट इन केक्स एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम, ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी, स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटीज, केक, कुकी, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक। क्रीम रोल, फ्रूट केक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, मैरिज एनिवर्सरी केक एंड स्कूल ऑर्डर स्पेशलिस्ट। Please do visit with your friends and family.
Success steps: English communication, skill development, and personality development. You can change your life. Training includes English speaking and fluency development, easy way to learn English grammar, public speaking, English communication, skill development, personality development, child and parent counseling. मेरा सारा डर खत्म हो गया. मैं जितने भी मतलब डरती थी इंटरव्यू के टाइम पे कहीं जाने में, किसी के फेस करने में, किसी का सामना करने में, बट जब से मैं यहाँ आई हूँ, एक महीना हुआ मुझे आए, मेरा सारा डर खत्म हो गया. मैं अब कहीं भी खड़े होकर कितने भी अच्छे से बोल सकती हूँ, किसी भी इंसान के सामने कहीं भी इंटरव्यू हो, चाहे वो बड़े से बड़े जगह पर क्यों ना हो, मैं आराम से बोल सकती हूँ. मुझे ज्वाइन किए हुए यहाँ 2 महीने हो चुके हैं और यहाँ पर आके इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट यहाँ मिला मुझे कि अब एकदम पावर आ गया है कि कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकूं यहाँ से निकलने के बाद. और सैकड़ों बच्चे यहाँ से जा चुके हैं, निकल चुके हैं यहाँ से, और बहुत अच्छे जगह टाटा स्टील वगैरह कंपनियों में उनका प्लेसमेंट हुआ है. बेसिकली हम ये समाज में ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि बिना कम्युनिकेशन स्किल के आपको जॉब नहीं हो सकता है, क्योंकि डिग्री से कभी जॉब नहीं होता है. अगर आपके पास डिग्री है और कम्युनिकेशन स्किल और ऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी नहीं है, तो आप जॉब नहीं पा सकते. एडमिशन ओपन, hurry up, you can change your life. Address: near Kamal School, Bal Vihar, Sunari, Jamshedpur. Mobile number: 700-491-2948, 9031-977274. Email address: kumariusha00@gmail.com.